री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अखबार की सुर्खियों को देखने के दौरान दो महत्वपूर्ण जो है समाचार प्राप्त हुए हैं, जिसे आप लोगों के साथ जो है शेयर करना आवश्यक है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को ऐसे खबरों को जो है ध्यान में रखना चाहिए या इस तरफ जो ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, जिससे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं पर एक अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जो समाचार हैं, जो खबर है, वो है G5 और G20। दोनों में ही जी आया हुआ है, लेकिन इन दोनों का क्या अंतर है, दोनों ही जी में क्या अंतर है, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों के अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं G5, या इसको आप उल्टा करके देखें 5G, क्योंकि जी दोनों में आ रहे हैं, लेकिन उसे आगे और पीछे करने से उसका मतलब जो है उसके 5 और 20 के साथ जुड़ने से अलग अलग हो जाता है। तो जब हम 5G कहते हैं तो यहाँ पर जी का तात्पर्य जो है जनरेशन से है, यानी और 5 का तात्पर्य 5th से है, यानी कि पांचवी पीढ़ी। इसको हिंदी में अगर कहा जाएगा तो पांचवी पीढ़ी हो जाता है। अब ये पीढ़ी क्या होता है, सामान्यतः हम लोग जो है व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो है पीढ़ियों का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में, या इसी तरीके से सामाजिक जीवन में। परंतु जब हम यहाँ 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे जो है सूचना संचार तकनीक, इन सभी जो है क्षेत्रों में जो 5th जनरेशन की जो बात की जा रही है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसमें जो है विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में किस तरीके से जनरेशन बनता है। जैसे कि जब हम इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया को संयुक्त रूप से देखते हैं, तो जब ये प्रारंभ हुआ तो उसे जो है प्रथम पीढ़ी कहा गया। लेकिन जब उसमें एक कुछ विशिष्ट जो है डेवलपमेंट हुआ और उसको एक निश्चित समय से लागू किया गया, तो उसे दूसरी पीढ़ी प्रारंभ हुआ। और इस तरीके से रिसर्च होते गए और रिसर्च के बाद जो है कुछ नए जो है इन्वेंशन किए गए, तकनीक को सम्मिलित किया गया, तो अगली पीढ़ी शुरू हुआ। और इसी यात्रा के बाद जो है आज पूरी दुनिया और देश की जो व्यवस्था है सूचना संचार तकनीक, ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल तकनीक जो है अपने पांचवी पीढ़ी को लागू करने की जो है तैयारी के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने यह घोषणा किया हुआ है और अखबारों में इस तरीके की बात आ रही है कि इसे शायद अगले महीने से जो है लागू कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण यहां पर केवल यह नहीं है कि 5th जनरेशन यानी कि 5G से संबंधित जो तकनीक है उसको अक्टूबर में लागू किया जाएगा, बल्कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि 5G का ये जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि एक परिवर्तन, एक जो है सुधार, एक खोज, एक रिसर्च को जब लागू किया जाता है तो अगली पीढ़ी आती है। तो इससे संबंधित जो है विशेषताओं को, उसके इम्पैक्ट को, उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास होना चाहिए, जिससे कि 5G से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ सके कि 5G वास्तव में क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। इन सभी चीजों को अगर पॉइंट वार आप देखते हैं या इंटरकनेक्टेड करके, अंतर संबंधित करके जो है इसको देखते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट जो है बनता है आपके माइंड में, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल, साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सवाल, या इसी तरीके से अगर आप किसी कक्षा में जो है पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन सभी के लिए आपकी ये नॉलेज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य है कि 5G बेसिकली मोबाइल तकनीक, दूर संचार, इंटरनेट के क्षेत्र में जो खोजी गई एक महत्वपूर्ण जो है तकनीक को अपनाने के बाद प्रारंभ हुई एक व्यवस्था है, जिसमें जो है हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था होगी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो है सुधार होगा, टेली या रिमोट जो है चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग जो है बढ़ेंगे, मेडिसिन मेडिकल के क्षेत्र में जो है बढ़ेंगे, ऑटोमेशन के क्षेत्र में हम लोग बढ़ेंगे, ड्राइवर लेस टेक्नोलॉजी की जो है गाड़ियां जो है हम लोग आगे ऑपरेट करने में जो है सफल होंगे। कहने का तात्पर्य है कि डाउनलोडिंग की जो प्रॉब्लम आती, सर्फिंग की जो प्रॉब्लम आती है, वो बहुत ही तीव्र गति से जो है हम लोग अपना एक्सेस उसमें जो है सुनिश्चित कर पाएंगे, जो है बना पाने में जो है सफल होंगे। कहने का तात्पर्य कि मोबाइल तकनीक और इंटरनेट से संबंधित, या इसी तरीके से जो है साइबर कैफे या इंटरनेट से संबंधित जो क्षेत्र में जो भी समस्याएं अभी तक आ रही थी, उसमें सुधार की एक नई पीढ़ी शुरू की जाएगी,
जिससे कि जो है किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को हम बहुत ही तीव्र गति से डाउनलोड कर पाएंगे या दुनिया में जो है इंटरनेट पर वेब पेज के रूप में उपलब्ध जो है सूचनाओं तक अपनी पहुंच को बहुत ही तीव्र गति से बना पाने में हम सक्षम होंगे। इसकी कहानी जो 5G की है वो पहली पीढ़ी से अगर देखा जाए तो 1980 के दशक से जो प्रारंभ होती है 1980 में। अब चूंकि जो ये प्रथम द्वितीय तृतीय पीढ़ी करके हम पांचवी पीढ़ी के मुहाने पर खड़े हुए हैं, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया के जो सूचना संचार मोबाइल इंटरनेट की तकनीक को एक दूसरे के साथ जो जोड़ करके देखा जाता है ताकि उसमें एकरूपता हो सके। तो पहली पीढ़ी 1980 के आसपास जो प्रारंभ हुई जिसमें हम केवल वॉइस कॉल जो है मोबाइल के माध्यम से कर पाते थे। दूसरी पीढ़ी 1990 के आसपास जो प्रारंभ होती है जिसमें हम मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग के जो है कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं जिसको SMS कहा जाता है, इनकी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, तो मैसेज भी प्रारंभ हुआ। तीसरी पीढ़ी 2000 में जो प्रारंभ होती है जहां पर वही इंटरनेट पर जो है यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क में जो है वेब पेज पर उपलब्ध सूचनाओं तक पहुंचने के लिए हम सर्फिंग का सहारा लेने लगे, यानी कि जहां पर www के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको कहा जाता है को एंट्री करके वो अपनी वांछित सूचना तक पहुंचने के लिए हम उस पर सर्फिंग करना जो है प्रारंभ कर दिए। सर्फिंग यानी कि उस पर सूचनाओं को डाल करके वांछित जो है जानकारी को प्राप्त करना कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी जो है 2000 में इस रूप में शुरू हुई। चौथी पीढ़ी आकर के जो है आपको 2010 के आसपास में शुरू होती है जो कि वर्तमान समय में अभी भी चल रही है 4G के नाम से, जहां पर हम वीडियो कॉल जैसी जो है सुविधा का जो है उपयोग करना शुरू किए, यानी कि उसका उपयोग हम अपने अपनाने लगे और एक दूसरे से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बैठे हुए लोगों के साथ या विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को वीडियो कॉल के जो है माध्यम से जानने समझने लगे, वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जो है कनेक्ट हो पाने लगे। पहले जैसा कि कॉन्फ्रेंस की सुविधा वॉइस कॉल पर होती थी, अभी इस तकनीक के आने के बाद जो है वीडियो कॉल में भी कॉन्फ्रेंस की सुविधा, जैसा कि हम लोग आपस में जो कई बार जो देखते हैं विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं को जो भी क्रियान्वित करने के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का जो है माध्यम का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो ये चौथी पीढ़ी की कहीं ना कहीं जो है एक तकनीक थी। इसी क्रम में जो है पांचवी पीढ़ी आपको 2020 की एक लाइन मान करके चलते हैं, यद्यपि अलग अलग देशों की अपनी प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी प्रवेश इस तरीके से जो होते हैं जो कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो तैयार की जाती हैं उसमें नीतिगत मामले होते हैं, तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जो है कुछ आगे पीछे उसको अपनाया जा रहा है, उसके लिए टेस्टिंग से संबंधित जो है गतिविधियां जो है चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के पांचवी पीढ़ी की जो तकनीक है उसे इस क्षेत्र में जो है अपनाने के लिए जो भारत तैयार है और जिसे 2020 से वैश्विक स्तर पर जो है स्वीकार 5G के रूप में किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है प्रथम पीढ़ी से लेकर के पांचवी पीढ़ी यानी कि 5G के सूचना और संचार तथा तकनीक तक की ये जो इस रूप में जो यात्रा है। 5G आने के बाद हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी, हाई स्पीड वीडियो कॉल, हाई स्पीड फाइल की डाउनलोडिंग, रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो है विकास, ऑटोमेशन के क्षेत्र में विकास, ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां, इस तरीके से जो है ऑटोमेशन क्षेत्र में जो हम लोग जो आगे बढ़ने में जो सफल होंगे, यह कुछ विशेषता जो है 5G की रही है जिसको लॉन्च करने के दिशा में आगे कदम जो है सरकार उठाने के लिए तैयार है। इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे या क्या इसका जो प्रभाव होगा, चूंकि अभी यह तत्काल शुरू किया जा रहा है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं अभी इसका आना शेष है। अगर इससे संबंधित परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं कि इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो आप उसके बारे में ना तो ये कह सकते हैं कि इसका दुष्प्रभाव होगा केवल, ना ये कह सकते हैं कि इसका दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि आप इस संतुलित रूप में बताएंगे कि ये नई तकनीक जो लोगों की आवश्यकताओं के लिए तकनीकी क्षेत्र में सुधार के लिए अपनाया गया है और अभी इस क्षेत्र में काफी कुछ रिसर्च किया जाना शेष है, इसलिए ऐसी स्थिति में अभी भी इसके बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में कि ये होगा कि नहीं होगा, बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी और आने वाले समय में रिसर्च के बाद इस पर जो है कुछ न कुछ जो है निष्कर्ष निकल करके आएगा कि इससे कितने दुष्प्रभाव हैं और इससे दुष्प्रभाव से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण जो खबर के लिए जो कि G20 के रूप में। अभी आपने देखा पहले जी में जी का तात्पर्य जनरेशन था और यहाँ G20 में जी का तात्पर्य ग्रुप से है यानी कि समूह से है। अब G20 की बात हो रही है तो G20 का तात्पर्य है कि ग्रुप 20 यानी कि 20 देशों का समूह, यानी जिसे कि दुनिया के 20
वित्त मंत्रियों या जो है केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर के समूह के रूप में जो देखा जाता है, जिसकी स्थापना 1999 ईस्वी में जो की गई है, इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, बल्कि सचिवालय जो है वो मेजबानी करने वाले जो देश में जो है रोटेट होता रहता है, बदलता रहता है। तो कुल मिलाकर के G20 जो है दुनिया के उभरती हुई और औद्योगिक देशों का जो है एक समूह है। इसके पूर्व में जो है G7 के रूप में दुनिया के केवल विकसित देशों का समूह कार्य कर रहा था। तो दुनिया के अलग अलग विचारकों ने जो है इस विषय पर अलग अलग देशों में विचार व्यक्त किए गए कि अगर इस समूह को थोड़ा सा व्यापक किया जाए, पूर्व के समूह को बनाए रखते हुए अलग से एक समूह बनाया जाए जिसे G20 कहा जाए, और इसमें दुनिया के अलग अलग विकसित के साथ साथ विकासशील देशों की भी अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं जो कि तेजी से जो आगे बढ़ रही हैं। इसका लाभ क्या होगा कि आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए, प्रणालीगत सुधार के लिए, अलग अलग जो है देशों की अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित जो अर्थव्यवस्थाओं, वहां के एक्सपीरियंस, उनके कंट्रीब्यूशन का लाभ लिया जाना और उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में जो है आसानी और सुविधा होगी। तो कुल मिलाकर के ये G20 की जो स्थापना और उसके स्वरूप के बारे में है। ध्यान रखिए, ये जो है आर्थिक अंतर सरकारी जो संगठन है, अलग अलग प्रकार के जो संगठन है, जैसे कुछ क्षेत्रीय संगठन जैसे आपका आसियान है, सार्क है, और इसी तरीके से कुछ सैन्य संगठन है जैसे नाटो के भी हाल में जो चर्चा चल रही थी, और नाटो ही एक महत्वपूर्ण ऐसा विषय और मुद्दा था जिसके आधार पर जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद बना और युद्ध तक की जो स्थिति वहां पे पैदा हुई, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में शीत युद्ध के प्रारंभ होने के समय जो है हुआ था। और यह एक सैन्य संगठन था जिसमें एक देश पर आक्रमण करने की स्थिति में उस समूह के सभी लोग मिलकर के उसका ताबड़तोड़ जवाब देते थे। खैर, ये बात रही नाटो के संदर्भ में, हम बात कर रहे हैं G20 के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने ये देखा कि G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, इसका कोई स्थायी संगठन नहीं है। ये दुनिया के 20 जो है विकसित एवं विकासशील देशों का जो है संगठन है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पारस्परिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करना है। यद्यपि इसमें आर्थिक के साथ साथ जब इसकी बैठकें होती है तो राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें सम्मिलित होते हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, क्षेत्रीय मुद्दा, अन्य सभी विषयों पर भी जो है गरीबी, बेरोजगारी के साथ खाद्य पोषण सुरक्षा को लेकर के भी जो है चर्चा होते हैं। अब हम G20 को केवल इसलिए जो है चर्चा में ला रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि अगले वर्ष यानी कि इसी वर्ष के दिसंबर से लेकर के अगले वर्ष के नवंबर के बीच में इसका जो सम्मेलन है, इसकी जो बैठकें वो भारत में होने वाली हैं, और भारत में होने के कारण से ये संगठन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इनके बारे में ध्यान रखना होगा, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित है, एक नजर इस पर जरूर डालना होगा। 19 देश और एक यूरोपीय संघ इसमें सम्मिलित है, साथ में स्पेन को जो है इसमें अस्थाई अतिथि के रूप में भी बुलाया जाता है। ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आपको यूपीएससी या यूपीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी और विशिष्ट किस्म की जानकारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आज की चर्चा में हम लोगों ने जो है G5 के साथ साथ जो है G20 के बारे में जो अध्ययन किया और ये देखा कि किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अखबार के जो सुर्खियों पर आधारित दो महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित यह समसामयिक और धारणात्मक विषय आपके लिए जो महत्वपूर्ण होगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आप लोग स्वयं भी जो देखते रहिए, एक महत्वपूर्ण दिशा, एक महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में अपने प्रबल मजबूती के साथ अपने को जो है प्रस्तुत कीजिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए और सफल होइए। तो अन्य विषयों के साथ साथ आप इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते रहिए। पुनः अगले टॉपिक पर जो है हम लोग अगले लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।